हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑनलाइन खान मार्केट और मैं हूं शिवांगी। आज हम 10 ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं यूपीएससी मेन एग्जाम में। यूपीएससी मेन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम, कि कैसे आप अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हो यूपीएससी मेन एग्जाम में। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। एक फंडामेंटल मिस्टेक है जो सारे पार्टिसिपेंट्स करते हैं कि वो पहले पढ़ते हैं फिर उसे रिवाइज करते हैं ओवर एंड ओवर, बट दे डोंट डू इनफ प्रैक्टिसिंग ऑफ राइटिंग। तो आज हम कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अपने पेपर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़िए कि क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है और आपको उसको किस टाइप का आंसर देना है। अगर आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। सेकंड, जब आप अपना यूपीएससी मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो अननेसेसरी टेक्निकल टर्म्स को यूज ना करें एंड रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लीशे। वो कहते हैं ना कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा अच्छी होती है। थर्ड, अपने ओपिनियंस को ऐसे प्रेजेंट करिए कि वो बायस ना लगे, कि आप एक ही के साइड हैं। अपना आंसर बहुत ज़्यादा तोल कर एक बैलेंस्ड फॉर्म में लिखिए। मेंटेन अ रैशनल टोन व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। फोर्थ, मेक योर आंसर मोर अपीलिंग एंड प्रेजेंटेबल। अपने आंसर को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए, जैसे अपने आंसर्स को पैराग्राफ में तोड़िए, ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना लिखिए एंड डोंट चेंज पैराग्राफ व्हेन यू आर स्विचिंग टू वन सब्जेक्ट टू अनदर। फिफ्थ, हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट हो और एरर्स फ्री हो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। अपना आंसर एक अच्छे मैनर में लिखिए जो नीट एंड क्लीन हो, सिस्टमैटिक हो और एरर फ्री हो, जिससे एग्जामिनर को आराम से समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और उन्हें लगे कि आप अपने फैक्ट्स और टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। सेवेंथ, हमेशा अपने आंसर को वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखिए। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन डालिए, आप सारे फैक्ट्स डालिए, लेकिन आपका आंसर ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि लेंदी आंसर्स ज़्यादा किसी को पढ़ना पसंद नहीं आते। तो आप अपने लिमिटेड वर्ड्स में ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को अपने आंसर में डालिए। एट्थ, कभी भी अपने आंसर को लॉन्ग सेंटेंसेस और पैराग्राफ में ना लिखिए। आप अपना आंसर सिंप्लिसिटी से लिखिए, उसे कॉम्प्लेक्स मत करिए। नाइन्थ, आप प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। हमेशा रेगुलरली अपने आंसर राइटिंग्स की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अगर आपको आंसर राइटिंग में परफेक्ट बनना है तो उसके लिए बहुत लगेगी बहुत सारी प्रैक्टिस, और आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली करिए। टेंथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, कि एग्जामिनर को आराम से समझ आ जाए। इट्स योर जॉब कि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करते हुए ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई हो और इन टिप्स पे काम करके आप अपना यूपीएससी मेंस का एग्जाम क्लियर कर ले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन खान मार्केट। थैंक यू।